आज मौसम बड़ा ही सुहाना चल रहा है, क्यों ना हम कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। तभी उसकी गर्लफ्रेंड रितिका कहती है, हम लॉन्ग ड्राइव पर कैसे जाएंगे, तुम्हारे पास तो कार ही नहीं है। तभी शैलेश कहता है, अरे मेरी बाइक किसी कार से कम है, चलो अपनी बाइक से कहीं दूर चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव नहीं लॉन्ग राइड पर। और दोनों हंसते हुए बाइक से निकल जाते हैं। दोनों सुनसान जंगल की ओर निकल जाते हैं। बातों ही बातों में वो बहुत आगे निकल जाते हैं। शाम के लगभग 5 बज रहे होते हैं। दोनों पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से पर रुक जाते हैं क्योंकि आगे कहीं रास्ता ही नहीं होता। तब रितिका कहती है, तुम मुझे कहाँ ले आए हो, इस सुनसान जंगल में कोई भी नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है। यह है तुम्हारी लॉन्ग राइड, मुझे तो लगा था कुछ सरप्राइज दोगे, कहीं अच्छी जगह ले जाओगे। अभी शैलेश कहता है, अरे बाबा तुम टेंशन क्यों ले रही हो, यह जगह बहुत ही अच्छी है, 2 मिनट बस वेट करो। फिर वह अपनी बाइक की डिक्की से एक चाकू निकालता है जिसे देख कर रितिका घबरा जाती है और कहती है, शैलेश क्या लेकर आए हो, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैं पसंद नहीं हूँ क्या, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं खुद ही तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चल जाती, प्लीज प्लीज मुझे मारो मत, मुझे छोड़ दो। रितिका को यूं डरते हुए देख शैलेश जोर जोर से हंसने लगता है और चाकू को वापस से डिक्की में रखकर एक गुलाब का फूल लाकर देता है और कहता है, अरे बाबा क्यों डर रही हो, मैं तो यह अपनी सिक्योरिटी के लिए साथ रखता हूँ, यह तुम्हारे लिए नहीं है, अब यह तो हम दोनों के दुश्मनों के लिए है। और यह कहकर दोनों हंसने लगते हैं। तब रितिका कहती है, शैलेश तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, आगे से ऐसा मजा प्लीज बिल्कुल मत करना। और फिर शैलेश डिक्की में से 2 कप निकालता है, उन कपों में गर्म कॉफी डालता है और 1 कप रितिका को देता है। रितिका कॉफी पीकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, वाह शैलेश मजा आ गया, तुमने सच में मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यह सुन शैलेश थैंक यू कहता है और कहते हुए वह एक दूसरे के गले लग जाते हैं। शैलेश जैसे ही उसको किस करने वाला होता है तभी रितिका उससे दूर हटते हुए कहती है, शैलेश घर चलने का टाइम हो गया है, बहुत लेट हो गए हैं और हमें सुनसान जंगल से भी तो जाना है, जल्दी चलो अंधेरा हो गया है। ठीक है बाबा ठीक है, चलते हैं, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा ओके। यह कहकर दोनों बाइक से वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं और अब उनके साथ जो होने वाला था वह उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जंगल में पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाता है, बहुत तेज हवा चलने लगती है, मानो कोई भयानक तूफान आने वाला हो। तभी रितिका डरते हुए शैलेश से कहती है, अरे यार हम कहाँ फंस गए, अब क्या होगा, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज तूफान आने वाला है। तभी शैलेश कहता है, अरे तुम इतनी क्यों घबरा रही हो, कुछ नहीं होगा, शायद बारिश आने वाली होगी। दोनों धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं और तेज बारिश होने लगती है। दोनों एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं, उन्हें उस सुनसान जंगल में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा होता। थोड़ी देर बाद रितिका को कुछ दिखाई देता है और वह शैलेश से कहती है, शैलेश देखो थोड़ी दूर पर मुझे कुछ उजाला दिख रहा है, शायद किसी का घर है, चलो हम चलकर उनसे कुछ मदद ले लेते हैं। तभी शैलेश कहता है, मदद कैसी मदद, इस सुनसान जंगल में शायद ही कोई इस घर में होगा, यदि कोई होगा भी तो वो हमारी मदद क्यों करेगा यार। शैलेश तुम समझते क्यों नहीं हो, इतनी तेज बारिश हो रही है, तेज बारिश में हम कैसे घर जाएंगे। फिर दोनों उस घर की तरफ चले जाते हैं। घर के बाहर पहुंचते ही घंटी बजती है। थोड़ी देर बाद एक औरत दरवाजा खोलती है, कहती है, क्या हुआ बेटा, इतनी तेज बारिश में इस सुनसान जंगल में लड़की के साथ क्या कर रहे हो। आंटी जी हम लोग बस घूमने के लिए गए थे, लौटते तो समय लेट हो गए, बहुत तेज बारिश होने लगी, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, कुछ देर के लिए हमें आपके घर में रुकने दीजिए। आहा बेटी क्यों नहीं, अपना ही घर समझो,
अंदर आ जाओ, रात यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही जल्दी निकल जाना, तब तक बारिश भी रुक जाएगी। यह सुनकर शैलेश और रितिका बहुत खुश हो जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बताओ, आराम ही करना है तो उस रूम में जाकर आराम कर लो, ठीक है? तभी रितिका कहती है, नहीं आंटी, हमें बस आराम करना है, सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। वह तीनों हंसते हुए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर शैलेश और रितिका को अब प्यार करने का अच्छा मौका मिल गया था। शैलेश रितिका को अपनी बाहों में ले लेता है और जैसे ही किस करने वाला होता है तभी गेट के खटखटाने की आवाज आती है। तब शैलेश रितिका से कहता है, ये उड़ी अम्मा भी अपने प्यार की दुश्मन है, अब आधी रात में इसको क्या हुआ, देखता हूँ। और जैसे ही शैलेश गेट खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। गेट के सामने उसकी बाइक खड़ी हुई थी। उसके कमरे को छोड़कर बाकी पूरा घर गायब हो चुका था। यह देख वह रितिका को आवाज देकर बाहर बुलाता है। यह डरावना एहसास पाकर दोनों कांपने लगते हैं। देखते ही देखते उन दोनों के कंधों पर दो अनजान खोखार हाथ आ जाते हैं। उन दोनों के चेहरे से पसीना टपकने लगता है। जैसे ही वह पलट कर देखते हैं, यह देख उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। तब रितिका उसे गले लगा लेती है और कहती है, शैलेश ये क्या हो रहा है, यहाँ तो कोई नहीं है, घर भी गायब हो गया, ये कोई आम औरत नहीं है, ये कोई खूंखार चुड़ैल है और अब हम दोनों उसके चुंगल में फंस गए हैं, अब हो ना ये हम दोनों को मार डालेगी, प्लीज शैलेश कुछ करो, मुझे बचा लो। और देखते ही देखते गेट अचानक से बंद हो जाता है। यह देख दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और यह देख शैलेश को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, कौन हो तुम, सामने आओ, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तब चुड़ैल अचानक से उनके पंखे पर लटकी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर दोनों के पसीने टपकने लगते हैं, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। देखते ही देखते वह हरे रंग की खूंखार चुड़ैल उन दोनों के एकदम सामने आ जाती है और दोनों हाथों से उन दोनों के गले पकड़कर जोर से दबाने लगती है। यह देख शैले जोर से उसे लात मारता है, चुड़ैल पीछे हट जाती है। तभी शैले दरवाजा खोलता है और रितिका को बाहर लेकर जाने की कोशिश करता है। बाहर जाते ही वह अपनी गाड़ी की डिक्की से चाकू निकालता है, जिसे देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और उसे हंसता हुआ देखकर शैले जोर से चिल्लाते हुए कहता है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, आखिर क्या चाहती हो हमसे? खोखार चुड़ैल कहती है, तुम दोनों का खून। उसे जोर जोर से हंसता हुआ देखकर दोनों कांपने लगते हैं और शैलेश चाकू को जोर से मार देता है। चाकू चुड़ैल के सर के बीचों बीच आर पार हो जाता है और चुड़ैल नीचे गिर जाती है। उसे नीचे गिरा हुआ देखकर शैलेश बाइक स्टार्ट कर वहां से निकलने लगता है। शैलेश अपनी बाइक को बहुत ही तेजी से भगा रहा होता है। तभी अचानक वह देखता है कि वह खूंखार चुड़ैल उसके साथ साथ हवा में उड़ रही होती है। उसके सर के आर पार हो चुके चाकू से बहुत सारा खून टपक रहा होता है। यह देखकर दोनों की रूह कांप जाती है और रितिका शैलेश को कसकर पकड़ लेती है और कहती है, शैलेश शैलेश प्लीज मुझे बचा लो। और शैलेश गाड़ी को बहुत जोर जोर से भगाने लगता है। तभी वह देखते ही देखते वह चुड़ैल गायब हो जाती है। तभी वह गाड़ी को एकदम रोक देता है। जैसे ही वह इधर उधर देखता है वो तभी चुड़ैल अचानक से उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। और वह गाड़ी स्टार्ट करके बहुत स्पीड से चुड़ैल की आर पार गाड़ी निकाल देता है। वह अपनी गाड़ी को बहुत ही तेज भगाने लगता है।
लेकिन फिर भी वह चुड़ैल उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसके साथ साथ उड़ते हुए रितिका का एक हाथ पकड़ लेती है और जैसे ही वह रितिका का हाथ पकड़ती है, रितिका बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, शैलेश प्लीज मुझे बचा लो, शैलेश प्लीज मुझे बचा लो। यह देखते ही देखते हर खोखार चुड़ैल अपने दूसरे हाथ से अपने चेहरे के अंदर फंसे हुए चाकू को निकालकर उसका हाथ काटने की कोशिश करती है, लेकिन शैलेश गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है जिसके कारण रितिका की एक उंगली कट जाती है। उसकी उंगली से खून बहने लगता है और शैलेश गाड़ी को भगाता हुआ उस जंगल से अपने घर की ओर निकल जाता है। अपने घर के पास बने एक अस्पताल में रितिका को ले जाता है और तभी वह चुड़ैल गायब हो जाती है और इस तरह शैलेश अपनी गर्लफ्रेंड रितिका की जान बचा लेता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हॉरर कहानी, हमें अपने विचार कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी कोई मजेदार और डरावनी कहानी है तो हमें कृपया ईमेल करना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में साथ साथ स्क्रीन पे दिखाई देगा।